आप महसूस करो ना, देखो जब किसी को तकलीफ होती है तो वो पुलिस के पास ही जाता थोड़ा बहुत, भाई हमारी जान बचा, हमें किसी डर है भय या हमारी जान खतरा है या हमारी संपत्ति खतरा, आप पुलिस अगर ये करेगी तो फिर कैसे लड़ाई लड़ेगी। और मैं तो चाहता हूँ पुलिस जो है ना फिर इन्वेस्टिगेशन करे, मैंने तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। मैं मानता हूँ कॉन्स्पिरेसी हो सकता है किसी और पार्टी के नेता शामिल हो, तो जांच करो ना, जो भी गलत हो कार्रवाई करो, मैंने किया हो किसी और ने किया हो, लेकिन इस नाम पे अगर गोली चला के पुलिस न्याय करेगी तो संभव नहीं। देखिए आपने देखा आपके कर्मचारी कैसे उड़ उड़ के गोली चला रहे हैं, हर चीज की जांच क्या 9mm की पिस्टल से गोलियां नहीं चल रही है, पुलिस अब कह रही है कि साहब नहीं गोली नहीं चली है। यहां पर यहां खड़े होकर हम लोग बात करने के लिए आई थी, चल के बात मैं सोचो ना मेरे दिल के हालात को आप जानते हैं, मैं कुछ समझ रहा हूं। आप तो अगर अपनी बात को फेसबुक पर भी लाइव कर देंगे तो भी उन तक देखिए वो वहां पे भी पहुंचेगी, आपकी जो उनके साथ सॉलिडेरिटी है वो तो वैसे भी दिखाई पड़ेगी। हम चल के आपसे बात करना चाह रहे हैं, कहां कहां बात करना चाह रहे हैं, कहां बात करना चाह रहे हैं, आपकी बात कराना भी चाह रहे हैं उनसे, अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर मेरे लोग वहाँ सुरक्षित है उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा तो मैं आपको बिल्कुल मैं कानून का पालन, मेरी बात एडीएम से बात हो गई, आप जिससे बात कर रहे हैं रोड में आप मुझे जाने नहीं दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे वापस कर दोगे, आप जानते हो कि मैं संविधान का पालन करता हूँ, मैं जानती हूँ कि आप बात मानेंगे भी, अब आप सांसद हैं थोड़ा सम्मान हमारा भी रखेंगे, ये कुछ नहीं आपके लिए, आप हमें बहुत बहुत संघर्ष किए, ये भी हमको मालूम है, थोड़ा सा हमको ये हम लोग के भी आइए मैं स्कूल में जहाँ करें वही बार तक, मैं कानून का पालन करने वाला व्यक्ति वकील भी हूँ और सांसद भी हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों की हत्या नहीं करूँगा, मैं हिंसा के खिलाफ हूँ और हिंसा का किसी तौर पर समर्थन नहीं करता, मैं हिंसा के खिलाफ, लेकिन हिंसा के आधार पर अगर हमारे लोग गलत हत्या की जाएगी तो ये स्वीकार नहीं किया जाता। आप जानते हैं सीए का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, SC ST के बच्चों का आंदोलन हो या ये आंदोलन, लगातार गोलियां चल रही है उत्तर प्रदेश में, गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है, ये गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जा सकती, हम अपने लोगों के उसको सुनेंगे, मुझे पुलिस के साथ चोट का भी दुख है लेकिन मैं मानता हूं कि ये कोई साजिश है जिसका शिकार जो है हमारे गरीब लोग हुए, और आज उनके आवाज उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन चंद्रशेखर घर नहीं बैठेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप हमारे लोगों का खून बह रहा है, आप